हेलो रसोई कंपनी के व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चीज कॉर्न बॉल्स। इसके लिए आधे कप उबले हुए मकई के दाने, 3/4 कप घिसा हुआ चीज, मध्यम आकार के उबले और मसले हुए आलू, एक बारीक कटी शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून मक्के का आटा, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस आटा, तलने के लिए तेल, आधा कप ब्रेड क्रम्स, पानी जरूरत के अनुसार। सबसे पहले एक बोल में हम घिसा हुआ चीज लेंगे, फिर डालेंगे आलू, शिमला मिर्च, उबले हुए मकई के दाने और फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च और लहसुन और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। रसोई कंपनी आपको एडवाइस करता है कि इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलिएगा। अब अपनी हथेली पे तेल लगाइए और इसे छोटे छोटे बॉल्स का आकार दीजिए। ये डिश काफी सिंपल है और झटपट बनने वाली है। रसोई कंपनी को फॉलो कीजिए ऐसे ही क्विक रेसिपीज के लिए। दूसरी ओर सारे बॉल्स बनाने के बाद कॉर्नफ्लावर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसकी एक अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी डीप फ्राइड कॉर्न बॉल्स में एक अलग टेक्सचर आ जाएगा। वहीं इसे कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में फिर से कोट कीजिए और ऐसे ही बाकी कॉर्न बॉल्स भी बनाइए। अब इसे डीप फ्राई कीजिए। डीप फ्राई करने पर आपके बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। रसोई कंपनी लव स्टार्टर्स और ये चीज कॉर्न बॉल्स हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टार्टर्स है। वी होप कि ये आपका भी वन ऑफ द फेवरेट स्टार्टर्स हो जाएगा ये रेसिपी देखने के बाद।